आपके पीछे कैसे बन रहा है देखना। सुनो नहीं देखना यार क्या है। ओह शिट चिरू वो देख गाइस जल्दी ये देखो। हाय गाइस दिस इज अमर वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम ले आए हैं येट अनदर हॉरर वीडियो क्योंकि आप लोग को हॉरर वीडियोस को ज्यादा ही पसंद इसलिए हम ले आए हैं और आप लोग की रिक्वेस्ट थी ये वाला मैं पॉप कर देती हूं। मैंने कमेंट देखा था स्टोरी निकल गई और उस क्या हुआ मैंने वीडियो स्टार्ट किया नहीं हरकतें हो रही है यहाँ पे कुकी के एकदम से गले में ड्राइनेस होगी तो कर रही है आपको आवाज आई होगी तो अब वो दरवाजे को देख रही है जिसने दरवाजे को देखा उसने और वो जा रही है अंदर भागती है कमरे। ओके कोई बात नहीं मैं रिचुअल से पहले नहीं डर सकती रिचुअल के बाद डरना मेरा रिचुअल है पर रिचुअल से पहले थी देखो तो काम ही नहीं हो पाई। एनीवेज और सबसे बड़ी बात बताती हूँ आज अमावस्या है तो आज कुछ भी हो सकता है पर मैं आप लोग के लिए रिस्क ले रही हूँ तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एटलीस्ट एक लाइक हर एक जना कर देना। मैं नहीं कह रही अपने मम्मी पापा के फोन से भी आगे करो बट प्लीज कर देना प्लीज। ओके नाउ विदाउट एनी फर्दर आपके पीछे कैसे बन रहा है देखना। सुनो नहीं देखना यार क्या है बड़ी बात मेरे को एक और चीज पता चली कि जो ये घोस्ट पेपर चैलेंज है ना ये इवन ब्लडी मैरी जो चैलेंज है उस रिचुअल है उससे भी पहले का है और जो ब्लडी मैरी रिचुअल है वो 16th या 17th सेंचुरी का तो सोचो इससे भी पहले का ये सो कितना क्रीपी होगा। एनीहाउ एक हस्बैंड एंड वाइफ थे जो अपने ना टाउन लोगों से काफी दूर रहना पसंद करते थे तो वो लोग दूर जाके एक जंगलों में उन्होंने ना इन जैसा घर लिया जो कैबिन जैसा नहीं होता तो वो उस जगह जाके रहने लगे काफी टाइम रहे बट एक टाइम आया कि ना उसका जो हस्बैंड था जो वुमेन का उसको अपनी बीवी से इरिटेशन होने लगी फ्रस्ट्रेशन होने लगी वो चिढ़ने लग गया उससे गुस्सा होने लग गया और उससे वो छुटकारा पाना चाहता था वो उससे बस दूर रहना चाहता था वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था। उसने एक रात पकड़ी और वो थी अगेन अमावस्या की रात। अनफॉर्चुनेटली कोइंसिडेंटली आज भी अमावस्या की रात है मेरे को ये बोलते चिन्ह देख मेरी रोंगटे खड़े। एनीवेज तो उसने वो दिन चुना क्यों चुना आई डोंट नो मे बी बिकॉज उस टाइम मूनलाइट भी नहीं होती है बाहर सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है अमावस्या के दिन। उसने बिल्कुल जो भी घर का लाइट सोर्स था वो सब बंद कर दिया एंड उसने क्या किया घर में जितना राशन था जितना थोड़ा बहुत खाने का सामान था वो सब भी उठा के बाहर फेंक दिया जंगल में जिससे बीवी को कुछ भी ना मिले। नाउ मेन उसका प्लान जो था कि वो अपनी बीवी को उस घर में बंद करने वाला था खाना भी नहीं पानी भी नहीं छोड़ा उसने और उसने उसको बाहर से बंद कर दिया। बाहर से बंद करने के बाद वो वहाँ से फरार हो गया। उसको ऐसा लगा कि वो शायद बीवी का भी बाहर आ ही नहीं पाएगी और दो चार दिन में मर जाएगी बट बीवी ने जो वाइफ थी उसकी उसने हार नहीं मानी उसने गिव अप नहीं किया। तो उसके पास एक पन्ना था पन्ना और उसके पास कुछ लिखने की इंक थी उसने कुछ ना कुछ लिख के स्लाइड कर दिया दरवाजे के बाहर है ना। उसने ये सोचा कि अगर वो कोई ऐसा पेपर भेजती है तो क्या पता कोई भी आने जाने वाला कोई भी चलता फिरता कोई भी अगर वो पन्ना देख ले तो समझ तो पाएगा कि एक औरत अंदर फंसी हुई है। किसी ने नहीं देखा क्योंकि वो लोग जंगल में रहते थे कोई वहाँ नहीं आता तो और ठंड का टाइम और था तो वहाँ पे आना जाना इतना कॉमन था भी नहीं तो कोई नहीं आया और वो बस वो चिट्ठी लिखती रही पेपर स्लाइड करती रही पर किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। फिर 10 दिन बीत गए 10 दिन बीतने के बाद उस दरवाजे के नीचे से कभी कोई नई चिट्ठी बाहर आई नहीं। रीज़न उस औरत ने उसी दरवाजे पे अपना दम तोड़ दिया। Olivia, are you okay? Olivia, what are you doing in there? Olivia,
उधर भी है। Are you okay? यहाँ पे रिचुअल करने जा रहे हैं। डोर जो हम यूज करने वाले हैं वो हम मेन डोर यूज करने वाले हैं, क्योंकि स्पिरिट को अंदर तो प्रेजेंट हो नहीं सकती ना स्पिरिट, स्पिरिट बाहर से ही आ सकती है, इसलिए हम बाहर का डोर यूज करने वाले हैं। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, कैसा नहीं है। मैम आपको बेसिकली क्विक आपको रूल्स दे देती हूँ। आपको एक कैंडल लेना है, एक मैचेस लेनी है, आपके पास एक पन्ना होना चाहिए, कुछ लिखने के लिए होना चाहिए, और आपके पास तीन सवाल फिक्स होने चाहिए आप क्या करने वाले हैं तीन सवालों का। तीन बार नॉक करना है, तीन बार लाइन बोलनी है, एंड उसके बाद आपको उस पन्ने पर लिखना है और हाफ वे टू द डोर मतलब आधा आपको पेपर नीचे डाल देना है। आपको आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, अगर वो पेपर वहीं का वहीं रहता है आपको वहीं खत्म कर देना है और आपको कैंडल बुझा देनी है, खत्म। आपको ये फिर ट्राई बाद में कभी करना है। दूसरा ऑप्शन है कि वो पेपर खींच जाता है बट फिर वापस कभी पेपर आता नहीं है। अगर ऐसा होता है तो भी आपको स्पिरिट को थैंक यू सॉरी बोलना है उसके टाइम खराब करने के, आप उसने टाइम दिया आपके लिए उसके लिए उसको थैंक यू बोलना है और आपको कैंडल बुझा देनी है, फिनिश कर देना दरवाजा नहीं। किसी भी केसेस में आपको दरवाजा सुबह होने से पहले डे लाइट आने से पहले खोलना नहीं है। कंडीशन है कि पेपर वापस आ जाता है, तो पेपर वापस आ जाता है तो उसमें तीन ऑप्शन है कि अगर लिखा है कि उसको अकेला छोड़ दो परेशान मत करो, अगर उनको सॉरी बोलो आपने उनका टाइम लेने के लिए थैंक यू बोलो और कैंडल बुझाओ खत्म करो दो मत। एक कंडीशन था कि आपके पास आंसर आ जाता है, आंसर आ गया अच्छी बात है उस चीज़ को पढ़ो समझो एंड देन आपका नेक्स्ट सवाल के लिए आगे बढ़ो और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो है कि आपको दो क्वेश्चन में नहीं रुकना है। अगर आपके पास पहले का आंसर आ गया तो आपको दूसरा और तीसरा भी पूछना है और आपने तीसरे के बाद आपको चौथा नहीं पूछना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसे तीन रूल्स तीन सवालों का रूल है, डू नॉट गो फर्दर देन थ्री क्वेश्चंस और लेस देन थ्री क्वेश्चंस। सो वो है सिंपल रूल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड बिफोर द क्लॉक हिट्स थ्री, लेट्स गो। ओके गाइस, तो ये रहा मेरा पेपर, तीन बजने वाली है, तीन बज से स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, सो तीन बज चुका है, time to knock. Okay, off I go. चुप कर रहे यार, क्यों रहा है मेरे को? Spirit of the door, I welcome you. Make yourself present and come through. Spirit of the door, I welcome you. Make yourself present and come through. Spirit of the door, I welcome you. Make yourself present and come through. मैंने नहीं किया। तू ही कर रही है। फालतू में डर। Okay guys, मैंने ईमेल बोल दिया। अब most likely अगर ये चीज़ successful हुई है तो present I mean मेरे मुँह से तो आवाज़ ही निकल रही थी। बार आ चुकी थी ना मेरे नाम तो देख के फैल रहा है। Anyways, paper में मैं अपना पहला question लिख रही हूँ। मैंने अपना पहला सवाल लिख दिया guys और अब मैं पेपर हाफ वे थ्रू भेज रही हूँ। ओके गाइस, अब हमें सिर्फ वेट करना है एंड होपफुली कुछ नहीं होगा, सो लेट्स जस्ट वेट। गाइस आपको दिखा क्या? पेपर ही लाना, मैंने इसको प्रॉपर हाफ वे थ्रू बाहर की तरफ रखा था, अब ये एक साइड से टिल्टेड है। शिट, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चिनू तूने देखा हिला? ऐसा लग रहा है शायद हिला थोड़ा सा ना। ओके गाइस, तो हमें घबराना नहीं और अभी रिचुअल करना है। मुझे नहीं पता ये पेपर क्यों हिला है, बाहर हो सकता है हवा हो, पर मैं रिस्क नहीं ले सकती, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती क्योंकि रिचुअल के हिसाब से आपको दरवाज़ा सुबह तक नहीं खोलना है। बट बिकॉज पेपर पूरा नहीं गया है, ये रिचुअल में कहीं था भी नहीं कि सिर्फ थोड़ा सा हिले तो क्या करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट हम यही रखते हैं कि जब पूरा चला जाता है और बिल्कुल वापस नहीं आता है या कुछ ऐसा होता है तो हमें सब में सिर्फ सॉरी बोलना है और थैंक यू बोलना है, तो हम वही कर लेते हैं। सो आई एम रियली सॉरी स्पिरिट, आपका इतना टाइम लिया एंड ऑल्सो थैंक यू, आपने जितना भी टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। ओके गाइस, सो यहाँ से अब निकला जाए, हैं बंद कर दूँ ना? हाँ ठीक है। ओह शिट, चिरू वो देख वो देख वो देख, गाइस जल्दी ये देखो। पेपर से थोड़ा सा हिला था बट लुक एट दिस गाइस, ये प्रॉपर है और ये एकदम से खराब हो गया, अभी तक बिल्कुल सही थी। आपने देखा होगा मेरे चेहरे पे, मैं जब यहाँ पे शूट कर रही थी तो ये लाइट चल रही थी पर अभी नहीं चल रही है। ओह गॉड, तू देखा था ना ब्रो पेपर हिला था? हाँ। और अब देख ये अपना पहले ही चल रहा था ना, मुझे अच्छे से याद है, पहले चल रहा था जब मैं यहाँ बैठ के शूट कर रही थी तभी चल रहा था ना। हाँ। अब देख
ओके गाइस, हमें नहीं पता इसका क्या रीजन है, एकदम से क्यों खराब हो गया है, बट एनीवेज गाइस मुझे नहीं समझ में आ रहा पेपर क्यों हिला था, क्या था, हवा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट हमें नहीं पता। अब हम लोग प्रेयर करके सोने जा रहे हैं। चिन्नू को तो एज ऑलवेज बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, मेरे को ही ऑल टाइम डर लगता है, बट आई रियली होप सुबह उनसे पहले कुछ और ना हो। एंड या दैट्स इट गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं होपफुली। ओके बाय।